हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वंडर वॉल फोर्सेस। तो वंडर वॉल फोर्सेस बेसिकली बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होती है? दो टाइप्स की होती है, एक केमिकल बॉन्ड और एक फिजिकल बॉन्ड। तो मैं आपको बॉन्डिंग बता रहा हूँ। बॉन्डिंग क्या होती है? इट्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स। ओके फ्रेंड्स, तो बॉन्डिंग क्या होगी? केमिकल बॉन्डिंग होगी और फिजिकल बॉन्डिंग होगी। केमिकल बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग, ओके फ्रेंड्स, और फिजिकल बॉन्डिंग होती है वीक। ओके फ्रेंड्स, फिजिकल बॉन्डिंग होती है वीक। फिजिकल बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर वॉल फोर्सेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वंडर वॉल फोर्सेस। अब देखिए, किसान फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मेनली इन पोलर मोलिक्यूल्स में होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे HCl, HBr, H2O, NH3, ATC। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं HCl का, तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये इंटरेक्शन हो रहा है प्लस माइनस में माइनस प्लस में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए, डाइपोल मोमेंट आपको पता ही है, तो म्यू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। अगर म्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर म्यू किसी का जीरो नहीं हुआ तो पोलर कंपाउंड से। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड वन आता है डाइपोल इंड्यूस्ड। ये किस में लगता है? ये नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में लगता है। ओके फ्रेंड्स, डाइपोल इंड्यूस्ड लगता है नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में, इन नॉन डाइपोल इंड्यूस्ड लगता है इन नॉन पोलर प्लस पोलर मोलिक्यूल्स में। अब देखिए, दो मोलिक्यूल्स होंगे। अब जैसे नॉन पोलर हो गया, H2 हो गया, कोमा Cl2 हो गया, कोमा O2 हो गया, कोमा N2 हो गया, प्लस इसके साथ कोई पोलर मोलिक्यूल्स HCl हो गया, कोमा वाटर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, एक HCl में परमानेंट डाइपोल होगा और H2O में कुछ नहीं होगा, तो ये परमानेंट डाइपोल से इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल या डिबाई फोर्सेस भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंड्यूस्ड डाइपोल और डिबाई फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन भी बोला जाता है इस वाले को। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड टाइप का आता है लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे इसका एग्जांपल है इन नॉन पोलर में होते हैं और एट एनी मोमेंट, बहुत बहुत लगभग बहुत कम मोमेंट के लिए होते हैं, लगभग माइक्रो सेकेंड्स के लिए होते हैं, बट फोर्सेस ये भी कंसिडर किए जाते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जैसे दो मोलिक्यूल्स पास में आएंगे तो इंड्यूस्ड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल या और इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल भी कहते हैं, कि अपने आप ही दोनों डाइपोल से इंड्यूस्ड हो जाएगा, कि डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया, पहला हो गया किसान फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, और डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया और लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। इन तीनों को ही कलेक्टिवली वंडर वॉल्स फोर्स कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग वंडर वॉल फोर्स। मैंने VWF को रिप्रेजेंट किया है वंडर वॉल फोर्स। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो वंडर वॉल फोर्स को इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर आता है वंडर वॉल फोर्सेस डायरेक्ट रिलेशन होता है सरफेस एरिया के। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वंडर वॉल फोर्सेस होंगे। और दूसरा पॉइंट आता है वंडर वॉल फोर्स डायरेक्ट रिलेशन होता है मोलिकुलर वेट के, यानी जिस भी कंपाउंड का जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतना ज़्यादा वंडर वॉल फोर्स होंगे। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक सीधी लाइन है, एक बेंट है कोई मॉलिक्यूल और एक स्फेरिकल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है, अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि वंडर वॉल फोर्सेस, तो कंक्लूजन ये निकला वंडर वॉल फोर्सेस डायरेक्ट रिलेशन हो गया सरफेस एरिया के और इनवर्स रिलेशन हो गया ब्रांचिंग के। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम सरफेस एरिया होगा और उतना कम वंडर वॉल फोर्सेस होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल लेते हैं। एक हमने ली नॉर्मल पेंटेन ले ली, एक ले ली हमने नियोपेंटेन, एक ले ली हमने आइसोपेंटेन। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहां पर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया के डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वंडर वॉल फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब
फ्रेंड्स यहां पर एक और बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट कोमा मेल्टिंग पॉइंट भी डायरेक्ट रिलेशन होंगे वंडरवॉल फोर्स के, वंडरवॉल फोर्सेस के, कि जितना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा और उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट रिलेशन होगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वंडरवॉल फोर्स या केमिकल फोर्स, कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है दो बातों के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट रिलेशन तो होगा ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बट एज वेल एज क्लोज पैकिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बिकॉज वी विल हैव टू सी द सॉलिड स्टेट। क्योंकि जब वो सॉलिड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड का ही लिया जाता है, क्योंकि जब सॉलिड की बात हो रही है तो हम क्लोज पैकिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैकिंग पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि सॉलिड कोई भी स्ट्रक्चर है तो सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैकिंग पर भी डिपेंड करेगी ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, H2 हो गया, D2 हो गया, T2 हो गया, तो ये क्या है, इन सभी का, ये सारे आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। तो साइज तो तीनों का सेम रहेगा, हाइड्रोजन का भी सेम रहेगा, ड्यूटेरियम का भी सेम रहेगा, ट्राइटियम का भी सेम रहेगा, बट चेंज क्या हो रहा है, मॉलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है। मॉलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, मॉलिकुलर मास इंक्रीज होने से, अभी मैंने आपको बताया मॉलिकुलर मास डायरेक्ट रिलेशन है वंडरवॉल फोर्सेस के, जितना ज्यादा मॉलिकुलर मास उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन जनरल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन वंडरवॉल फोर्स, ओनली इन जनरल की बात है, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल डायग्राम, या इसको 612 डायग्राम भी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लिनार्ड जोन्स डायग्राम, लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल डायग्राम। अब देखिए इस डायग्राम को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमने वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करी है और एक्स एक्सिस पे हमने, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस कंसिडर, डिस्टेंस के लिया है। सपोज मान लो कोई एटम है, कोई एटम अपनी, कोई दो एटम है तो वो बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, अब वो पास आ रहे हैं, दोनों एटम्स पास आ रहे हैं, तो क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन में अट्रैक्शन डोमिनेट्स होगा, तो वो पास आएंगे, पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एनर्जी रिलीज मतलब नेगेटिव साइन में आ गया, ये एनर्जी नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे। ओके फ्रेंड्स, मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे, अब यहां से अगर वो और पास आते हैं तो अब यहां पर फिर जो दोबारा इंटरेक्शन इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन में इस बार रिपल्शन डोमिनेट्स हो जाएगा, न्यूक्लियर 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 दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन डोमिनेट्स हो जाएगा, तो वो एनर्जी फिर पॉजिटिव में चली जाएगी, यानी इस वाली पोजीशन पर वो एनर्जी रिपल्शन डोमिनेट्स हो जाएगी। तो मैंने उसको ER से लिखा है और इसको लिखा है EA से, मतलब EA अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, ये ER हो गई रिपल्शन एनर्जी। तो इन जनरल ये इनवर्स रिलेशन होता है R की पावर 6 के, और ER मतलब रिपल्सिव एनर्जी होती है, इनवर्स रिलेशन R की पावर 12 के, इन जनरल की बात है, इस वजह से ही इसको 612 डायग्राम भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर ये जो मिनिमम डिस्टेंस हो गई जिसके बाद वो अगर और पास आएंगे तो फिर दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, इस मिनिमम डिस्टेंस को ही R नोट या बॉन्ड लेंथ कहा जाता है, और ये जितनी डेप्थ होगी उसको डेप्थ कहा जाता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर दूसरी बात पता लगती है कि थर्मल स्टेबिलिटी, कि जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्ट रिलेशन है बॉन्ड ऑर्डर की, जितनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। ओके फ्रेंड्स, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्ट रिलेशन है बॉन्ड ऑर्डर के और इनवर्स रिलेशन है बॉन्ड लेंथ के, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा और उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी। ओके फ्रेंड्स, अब जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ हुई ना, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी तो उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स रिलेशन है आर नॉट के, ये आपको पता ही है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अब देखिए मैं
एक एग्जांपल के तौर पर एक बार ए बी मॉलिक्यूल लेता हूं और एक बार सी डी मॉलिक्यूल लेता हूं, तो दोनों का ये ग्राफ से मैंने डिनोट किया है। तो यहां पर क्या हो रही है, डिस्टेंस और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर डी वन क्या हो गया, ए बी हो गया, डी टू हो गया, सी डी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी वन इक्वल्स टू ए बी को डिनोट कर रहा है, डी टू इक्वल्स टू सी डी। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी डी, अब देखिए जो सी डी की है, सी डी की डेप्थ ज्यादा है और ए बी से, तो ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर सी डी का ज्यादा हो गया ए बी से। तो उससे क्या क्या पता लगा कि थर्मल स्टेबिलिटी भी सी डी की ज्यादा हो जाएगी ए बी से। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आगे बता रहा हूं आपको एनर्जी। आपको पता है या एनर्जी क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या रेडियस मतलब या डिस्टेंस। और हमें पता है इन जनरल फोर्स क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर इन जनरल क्या हो गया, फोर्स इक्वल्स टू इनवर्स रिलेशन हो गया वन अपॉन इनवर्स रिलेशन हो गया आर की पावर एन। तो एनर्जी क्या होगी, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दी, वन अपॉन आर की पावर एन को इनटू आर हो गया। तो और एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी इक्वल्स टू वन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन। तो एनर्जी क्या हो गई यहाँ पर, आर की पावर वन माइनस एन। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमने थोड़े इंटरेक्शंस दिखाए हैं, अब इनको हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। अब देखिए आयन आयन हो गया, ऑल आयनिक्स हो गए, तो उसमें फोर्स क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है आर की पावर माइनस टू की। और एनर्जी क्या होगी, डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर की पावर माइनस वन की। ओके फ्रेंड्स, अब ये टाइप क्या हो गया, लॉन्ग रेंज का। तो शुरू के तीनों लॉन्ग रेंज और लास्ट के चारों क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, शॉर्ट रेंज के। अब देखिए आयन डाइपोल हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशन है आर की पावर माइनस थ्री की। ओके फ्रेंड्स, और डायरेक्ट रिलेशन है आर की पावर माइनस वन। और आयन इंड्यूस्ड हो गया, आयन इंड्यूस्ड क्या हो गया फ्रेंड्स, आर की पावर, डायरेक्ट रिलेशन है आर की पावर माइनस फाइव के, और डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर की पावर माइनस फोर के। और डाइपोल डाइपोल हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर की पावर माइनस सेवन के, और डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर की पावर माइनस सिक्स के एनर्जी के टर्म में। डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया, फोर्स की कितना लगेगा, फोर्स डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर की पावर माइनस सेवन के, और डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर की पावर माइनस सिक्स के। ओके फ्रेंड्स, अब लंदन में अगर हम इंटरेक्शंस की बात करते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया फोर्स में आर की पावर माइनस सेवन की, और डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर की पावर माइनस सिक्स के। रिपल्शन में बात करते हैं हम आर की पावर माइनस थर्टीन की, और डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर की पावर माइनस ट्वेल्व के। तो अभी ये इन जनरल है, ये आपको याद नहीं करना है, केवल आपको देखना है कि इन जनरल ये चीज होती है। तो ये शुरू के तीन क्या हो गए, लॉन्ग रेंज के फोर्सेस हो गए, और बाद के चार हो गए शॉर्ट रेंज के फोर्सेस। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला मैं बता रहा हूँ आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब हम अगर इन जनरल एग्जांपल लेते हैं NS3 वाटर और HF, तो यहाँ पर क्या होती है, तो गैसियस फॉर्म में होती है NS3, तो NS3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बट वाटर और HF के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और HF इतना ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होता है कि इसमें गैसियस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जैसे NS3 हो गया, वाटर हो गया, और HF हो गया। इन वाटर और HF में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी है, और NS3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो क्या हो रहा है, NS स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम यहां से लेफ्ट से राइट की बात करें, तो वो इंक्रीज हो रही है। अब यहां पर एक दूसरी चीज आती है कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन की, वो कितनी जल्दी लिक्विफाई होगी, वो भी डायरेक्ट रिलेशन होता है वंडर वॉल फोर्सेस की, कि जितना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स एटम्स पास पास आएंगे। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन की ईज मतलब ये ईज डायरेक्ट ईज बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट ग्रुप 18 का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनोन। अब क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो साइज इंक्रीज होने से सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे। अब वंडर वॉल फोर्सेस के बढ़ने से क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ज़ेनोन इन जनरल अगर इनका कंपेरिजन कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब मैंने ग्रुप 15 का एग्जांपल लिया, NS3 हो गया, PS3, ASS3 हो गया फ्रेंड्स, SBS3 हो गया, और BIS3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर वंडर वॉल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और NS3 में क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा।
तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगे। अब अगर हम इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखते हैं तो BIS3 SBS3 है लेस देन NS3 और लेस देन ASH3 और लेस देन PHS3, क्योंकि अब देखिए BIS3 और SBS3 का तो बहुत ज्यादा साइज हो जाएगा तो वंडरवॉल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और NS3 में क्या हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो उससे कम आ जाएगी, फिर ASH3 फिर PHS3। ओके फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट रिलेशन होगा वंडरवॉल फोर्सेज एज वेल एज सरफेस एरिया और एज वेल एज क्लोज पैकिंग। तो NS3 में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसका मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में पास आ चुके होंगे तो वंडरवॉल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट में तो NS3 कूद के आगे आ जाएगा। फिर सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे BIS3 फिर SBS3 फिर ASH3 फिर PHS3। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं ग्रुप 16 का एग्जांपल ले रहा हूं, ग्रुप 16 में वाटर हो गया, H2S हो गया, H2SC हो गया और H2TE टेलूरियम हो गया, तो वाटर के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और ये इनका सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है तो वंडरवॉल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, यहां पर वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो वाटर सबसे कूद के ऊपर आ जाएगा, फिर क्या होगा सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, H2TE हो जाएगा, फिर H2SC हो जाएगा, फिर लेस देन H2S हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूजुअली वंडरवॉल फोर्स लेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इज ग्रेटर देन होती है वंडरवॉल फोर्सेस के लिए, ये बट यूजुअली बात है, बट इन केस ऑफ मतलब कभी कभी ये उल्टे भी हो जाते हैं, अपोजिट भी हो जाते हैं, लेकिन अपोजिट तभी होंगे जब वंडरवॉल फोर्स या सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब इफ सरफेस एरिया इज वेरी हाई। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ग्रुप 17 का एग्जांपल लेता हूं, अब देखिए HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहां क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, वंडरवॉल फोर्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड लगाते हैं तो देखिए HF में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कूद के ऊपर आ जाएगी तो HF इज ग्रेटर देन फिर HI, क्योंकि सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट लगेगा, HI फिर लेस देन HBr फिर लेस देन HCl। बट अगर इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मैंने आपको वही बात बताई थी, मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज डिपेंड करता है क्लोज पैकिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, अगर मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड लगाते हैं हम तो क्या होगा, HI, अब ये HI का सरफेस इतना ज्यादा लार्ज हो जाएगा कि ये HF से भी कूद के ऊपर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया अगर सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट में वो कूद के ऊपर आ जाता है, तो HI हो गया, HI की सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर HF, फिर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, फिर HBr, फिर सरफेस एरिया, फिर HCl। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें हो गई वंडरवॉल फोर्सेस के लिए। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।